हेलो दोस्तों, सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में छाया खुशी का माहौल। जहां पूरे परिवार में मनमुटाव चल रहा था, वहां पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर शादी की कर रहा है तैयारियां। दोस्तों, रात को जब करण देओल की मेहंदी और हल्दी की रस्म हुई, वहां पर धर्मेंद्र देओल और हेमा मालिनी ने जमकर ठुमके लगाए। वहीं धर्मेंद्र देओल और हेमा मालिनी दोनों एक साथ करण देओल को गिफ्ट देते हुए नजर आए। करण और दिशाचार्य ने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का आशीर्वाद लिया। दोस्तों, पूरे देओल परिवार में खुशियों की लहर छाई हुई है। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। पूरे घर को महल की तरह सजा दिया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय रीति रिवाजों की तरह शादी की तैयारियां चल रही है। इसमें हर चीज ट्रेडिशनल होने वाली है। इसी बीच रात का प्रोग्राम खत्म होने के बाद मीडिया और फैंस में लड्डू बांटे गए। इसी के साथ आपको बता दें, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी कई सालों के बाद सनी देओल के घर आए। इसके बारे में धर्मेंद्र ने कहा, मैं सिर्फ अपने पोते की शादी में आया हूँ, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर जो भी हो, एक बार फिर करण देओल की वजह से देओल परिवार में खुशियों की बारिश हो रही है। आपको बता दें, कई सालों के बाद पूरा देओल परिवार एक जगह इकट्ठा हुआ है, वह भी करण की शादी में। तो आपको यह कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।